हेलो दोस्तों, आपके अपने मरुद्रा यूट्यूब क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें टोटल अपडेट, जो भी एलडीसी जुड़ी जो भी टोटल अपडेट है रिजल्ट के बाद में, जो आपका एक गुना विद्यार्थियों का जो रिजल्ट आया उसके बाद में जो भी टोटल अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर ज्वाइनिंग कब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर वेटिंग कब तक आ जाएगी आपकी, उसके अलावा बैकलॉग की पूरी अपडेट आपको बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, जो फाइनल रिजल्ट में जो सीटें कम हुई हैं, मतलब सीटें कैसे कम हुई है इसके बारे में भी पूरी बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर TSP की जो सीटें, जितनी सीटें थी उन पर कैंडिडेटों को इतनी सीटों पर क्यों नहीं लिया गया उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा MBC के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके DA के बारे में बात करेंगे कि आपके DO में कितनी इंक्रीमेंट हुई है। और दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, जिन स्टूडेंटों का मतलब LDC भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें, क्योंकि आज आपको जैसा कि बताया 53,000, मतलब कल आपको बताया बजट में 53,000 रुपये नई भर्तियों की घोषणा की गई है। तो और उसके अलावा दोस्तों, इसमें सभी भर्तियाँ SI की, टीचर विभाग की, उसके अलावा SI में जो आपके होम वाला जो डिपार्टमेंट में उसमें SI भर्ती की, उसके अलावा ग्राम सेवक भर्ती की सारी भर्तियाँ, मतलब 5,000 पोस्ट के लगभग आएगी। उसके अलावा आपको बताया रीट भर्ती के बारे में आएगी, और उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप से वैकेंसियों का वर्गीकरण वहाँ पर किया गया है, तो स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी खबर है। उसके अलावा दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैकलॉग की, क्योंकि बैकलॉग वाले स्टूडेंट काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं बैकलॉग एड करवाने के लिए। दोस्तों, इनका जो बैकलॉग है किसी की सीटों में से एड नहीं होगा, ओनली जो SC और ST की जो सीटें खाली पड़ी हुई है, मतलब 2013 की जो वैकेंसी उसमें से जो खाली पड़ी है उन्हीं भर्तियों में लगभग 1244 के लगभग यहाँ पर सीटें खाली है। तो ये 1244 पद SC और ST में मतलब बैकलॉग के रूप में एड कर दिया जाए। तो जिन भी स्टूडेंट लगभग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 2018 में आपकी विज्ञप्ति निकली थी, अब 2020 चालू हो गया है, तो दोस्तों बैकलॉग के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट कल प्रतिनिधिमंडल दल सचिवालय भी गया था, वहाँ पर पूरी अपडेट यही निकली है, वहाँ पर पूरी मतलब वहाँ पर बात की गई 1244 पदों के बारे में बात की। उसके अलावा कहाँ पर मतलब कैसे पद कम हुए, बाकी सीटें कहाँ पर गई उसके बारे में भी बात की गई है। उसके अलावा दोस्तों, आज जो बैकलॉग के लिए स्टूडेंट मतलब जो प्रतिनिधिमंडल दल रहेगा वो CM साहब से मुलाकात करेगा, तो आज मतलब लग रहा है कि कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी आंदोलन कर चुके हैं, आपको जैसे कि पता है हमने बता दिया था वीडियो बना करके, क्योंकि दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों, हम अब यहाँ पर बात करते हैं और बैकलॉग की। दोस्तों, अगर एड हो जाती है तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि स्टूडेंट भी 2 साल हो चुके हैं इनको, क्योंकि सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके सभी को यही लगा था कि मतलब 175 के लगभग कट ऑफ जाएगी, हर कैटेगरी में मतलब कम कट ऑफ जाने की उम्मीद थी, लेकिन कट ऑफ मतलब अनुमान से ज़्यादा चली गई। तो दोस्तों यहाँ पर, उसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की। अब हम बात कर लेते हैं जो दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट होगी, क्योंकि आपके मतलब जैसे ही मतलब स्टूडेंटों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्योंकि अब ज्वाइनिंग का कार्य प्रोसेस चालू हो चुका है, तो जैसे ही इन स्टूडेंटों को ज्वाइनिंग दी जाएगी उसके बाद में जो मतलब हर डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली रहती है ये सभी मतलब बोर्ड को भेजा जाता है, वहाँ से फिर इन सीटों को मतलब कितनी सीटें खाली है, कितनी कौन से डिपार्टमेंट में खाली है, पूरा डेटा तैयार करके ही मतलब वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। तो दोस्तों, आपकी वेटिंग लिस्ट जैसे ही करेगी तो लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे, उसके अलावा किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली है, उन सभी का मतलब आंकड़ा पूरा डेटा तैयार करके ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो दोस्तों, मतलब वेटिंग लिस्ट वालों को कम से कम 3 से 4, क्या मतलब 4 से 5 महीने मान सकते हैं आप, 4 से 5 महीने का टाइम लग सकता है वेटिंग के लिए। और अगर आप संघर्ष करोगे वेटिंग के लिए कि जल्दी से जल्दी वेटिंग जारी की जाए, जैसे ही स्टूडेंटों की ज्वाइनिंग होती है, तो दोस्तों क्या पता डिपार्टमेंट या सरकार आपकी वेटिंग लिस्ट जल्दी भी निकाल सकती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात हो चुकी है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले स्टूडेंटों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, जो भी मतलब LDC में सेलेक्ट हुए उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी ने जो आप बजट पेश किया था, कल बजट पेश किया था, उनमें जो भी कर्मचारी रहेंगे उनके महंगाई भत्ता, जो भी मतलब पहले 12% महंगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन दोस्तों उसको बढ़ा करके अब लगभग 17% यहाँ पर महंगाई भत्ता दे दिया गया। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है उनके लगभग मतलब यहाँ पर 5% इंक्रीमेंट किया गया है महंगाई भत्ते में। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट में जो सीटें कम हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट में सीटें कम हुई है इसमें लगभग आपको जैसे कि बताया 500 के लगभग सीटें यहाँ पर कम हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे कि आपको बताया LDC भर्ती में जब 2018 में LDC भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, तो मतलब ये वसुंधरा जी की सरकार में निकाला गया था, तो यहाँ पर लगभग 1% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया था।
ठीक है, एमबीसी वाले स्टूडेंटों को। लेकिन दोस्तों बाद में इसी रिजर्वेशन को बढ़ा करके मतलब प्लस 4 और कर दिया गया था, तो यहाँ पर टोटल रिजर्वेशन कर दिया गया था, यहाँ पर 5% रिजर्वेशन और कर दिया गया था। तो यहाँ पर लगभग जो एमबीसी की सीटें थी मतलब बढ़ा करके लगभग यहाँ पर 500 की जानी थी। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि जो एमबीसी की जो 500 सीटें थी दोस्तों, तो जो आपकी वैकेंसी निकली थी, जितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी, तो एक तरह से जब इनकी 1% से बढ़ा करके एमबीसी वाले स्टूडेंटों की 4% यहाँ पर रिजर्वेशन बढ़ा करके लगभग 5% रिजर्वेशन किया गया था, तो एक तरह से मतलब सरकार को इसमें लगभग 500 सीटों को और ऐड करना था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सीटें मतलब ये 500 सीटें थी, ये सीटें ली गई है जनरल और उसके अलावा जनरल और ओबीसी। दोस्तों जो जनरल लगभग आपको पता है ओबीसी का रिजर्वेशन 22% है, उसके अलावा जनरल की सीटें थी। तो दोस्तों ये 500 सीटें जो ऐड की गई है मतलब ये बढ़ा करके नहीं की गई, ये जो सीटें ऐड की गई है जनरल और ओबीसी की सीटों में से ही कम कर करके इन सीटों को ऐड कर दिया गया। तो मतलब ओबीसी और जनरल की लगभग यहाँ पर 500 सीटें कम हुई थी, और लगभग आप मान सकते हैं मतलब यहाँ पर ओबीसी की लगभग 120 के लगभग यहाँ पर सीटें कम हुई है। तो जो स्टूडेंट है अगर, और दोस्तों इसके बारे में और उसके अलावा हम यहाँ पर बता देते हैं जो एमबीसी वाले स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो दोस्तों अगर एमबीसी की सीटों में मतलब बढ़ाई जाती है तो इन स्टूडेंटों को कोई चिंता करने की बात नहीं, अगर आपकी, क्योंकि अगर इन स्टूडेंटों में से अगर जो ओबीसी और जनरल वाले स्टूडेंट अगर इनमें से जो सीटें कम की गई है, अगर आपका अलग से रिजर्वेशन बढ़ा कर, क्योंकि सरकार तक इस बात को पहुँचा दिया गया क्योंकि सीटें कम हुई है, गोविंद सिंह डोटेसरा से भी इसके मतलब बारे में बात की है, उसके अलावा जो जाटावत जी से भी बात की, तो जाटावत जितने तो यही कहा कि आरडी डिपार्टमेंट से मतलब इन्हीं सीटों का हमें डेटा तैयार मतलब डेटा प्राप्त हुआ था, तो इन्हीं सीटों पर हमने रिजल्ट जारी किया। लेकिन अब ये जो मुद्दा है मतलब खुद सीएम साहब से भी इस मुद्दे को बारे में उठा चुके हैं, उसके अलावा गोविंद सिंह डोटेसरा तक भी, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटेसरा जी है, उनको भी इन सीटों के बारे में बता दिया गया कि ये 500 सीटें मतलब बढ़ाई नहीं गई बाकी, क्योंकि ये जनरल और ओबीसी में से इन सीटों को कम कर दिया गया। तो एमबीसी वाले स्टूडेंटों को तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर सीटें बढ़ाई भी जाती है तो आपका तो जो सिलेक्शन है तो सीटें बढ़ाने पर भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो दोस्तों आपको तो बिल्कुल ही चिंता की बात नहीं है। अगर ये 500 सीटें अगर ऐड कर दी जाती है तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा 500 सीटों का, वो होगा मतलब जनरल और उसके अलावा ओबीसी वाले स्टूडेंटों का, क्योंकि लगभग 500 सीटों पर और परिणाम जारी किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट मतलब पॉइंटों में मतलब जिनके एक से लेकर के पॉइंटों तक जिनकी पॉइंटों की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाएगा अगर ये 500 सीटें ऐड कर दी जाएगी। तो वो लग रहा है जैसे कि 100% लग रहा है कि ये सीटों को वापस मतलब बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये ओबीसी और जनरल में से इन सीटों को कम किया गया है। और उसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बात चल रही थी वो कर रही थी फाइनल रिजल्ट में सीटें कैसे कम हुई है। तो दोस्तों हम यहाँ पर टीएसपी की भी बात करते हैं कि टीएसपी की सीटें कैसे कम हुई है, पूरी बार मैं आपको पूरी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो लगभग सीटें थी दोस्तों, मतलब थोड़े डेटा जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ उसमें थोड़ा ऊपर नीचा हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, मतलब मैंने पूरी तरह से सर्वे करके पूरी तरह से बात करके ही ये मतलब एक तरह से तैयार किया है, ये डेटा तैयार किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया यहाँ पर लगभग 10,732 सीटों पर लगभग नॉन टीएसपी की सीटें थी, उसके अलावा जो टीएसपी की सीटें थी वो थी लगभग आपके 1,193 सीटें थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो ये जो 10,732 सीटें थी इसमें से ही मतलब बढ़ाया नहीं गया, ओनली इसमें से मतलब आपके जो 10,732 जो सीटें थी यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ है, इनका जो परिणाम जारी किया गया ओनली 10,232 सीटों पर ही ये परिणाम जारी किया गया है। मतलब ये मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, नॉन टीएसपी में इसमें बात करते तो लगभग 500 सीटें आपके एमबीसी के रिजर्वेशन की वजह से मतलब यहाँ पर इन सीटों पर परिणाम जारी किया जाना था, लेकिन जो परिणाम जारी किया गया है यहाँ पर इन सीटों के ऊपर परिणाम जारी किया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं 500 सीटें यहाँ पर कम की गई है, अब ये 500 सीटें कम हुई है तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंटों में से ही एमबीसी वालों को मतलब यहाँ पर ज्वाइनिंग मतलब उनका सिलेक्शन कर दिया गया, तो यहाँ पर लगभग 10,732 सीटों पर परिणाम जारी किया जाना चाहिए था। और इसको लेकर के मैंने बता दिया कि मतलब सीएम साहब से भी इसके मतलब सीएम साहब से भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, जो टीएसपी की लगभग यहाँ पर जो लगभग 1,193 के लगभग यहाँ पर सीटें थी, कितनी थी 1,193, अब यहाँ पर क्या हुआ है 719 सीटों पर ही मतलब टीएसपी वाले स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और जब इसको लेकर के बोर्ड में बात की गई तो बोर्ड का द्वारा ये जवाब दिया गया है लगभग कि यहाँ पर मतलब 719 सीटों पर ही मतलब टीएसपी वाले स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया गया, और वहाँ पर बोर्ड का ये कहना है कि इस कैटेगरी में मतलब टीएसपी वाली कैटेगरी में क्या मतलब स्टूडेंट मतलब योग्य नहीं पाए गए हैं, मतलब पात्रता में पूर्णता पात्रता
में नहीं पाए गए, या तो ये स्टूडेंट टाइपिंग में रह गए होंगे या फिर टाइपिंग नहीं करे, तो मतलब इनको लगभग 1.5 गुना विद्यार्थी इनको पहले भी नहीं मिल पाए थे, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें भी नहीं मिल पाए थे। तो लगभग यहाँ पर इन जो स्टूडेंटों का लगभग 719 सीटों पर ही इनका सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं कि दोस्तों यहाँ पर जो अभी चल रहा है और बैकलॉग का तो मैंने आपको बता दिया है, और सीटें कैसे कम हुई है इसके बारे में भी बता दिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो मतलब ऐसा भी चल रहा था स्टूडेंटों के चल रहा था कि 2-3 रोल नंबर ऐसे पाए गए थे मतलब रिजल्ट में, जो कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब बीच में खाल मतलब गायब हो गए थे, लेकिन एकदम से मतलब जब 1 गुना विद्यार्थियों का मतलब जो डेटा रिजल्ट आया तो उसमें ये स्टूडेंट एकदम से कहाँ से आ गए। तो दोस्तों इसके लिए जो स्टूडेंट थे, ये 2-3 स्टूडेंट है ना फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के थे, तो इन स्टूडेंटों को मतलब यहाँ पर शायद इनकी टाइपिंग नहीं करवाई जाती है फिजिकल हैंडीकैप की, तो इस वजह से ये 2-3 रोल नंबर आपके एक्स्ट्रा पाए गए थे। उसके अलावा दोस्तों जो स्टूडेंट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर लगभग आगे तो आपका डी ए भी बढ़ गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको जैसा कि कल सुभाष जी भी बता चुके हैं आपको कि मतलब आपके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते, आपके रिजल्ट और उसके अलावा ज्वाइनिंग की बात कर लेते, जैसे कि आप तो वैसे देख चुके होंगे सुभाष जी ने भी आपको कल बता दिया था कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी एक बार आपको बता देता हूँ जो आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग, उसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज़ और बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट में अभी मतलब उसका कार्य क्यों प्रारंभ नहीं हुआ, उसकी ज्वाइनिंग के बाद क्यों थोड़ी उसकी ज्वाइनिंग लेट आएगी, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी जो चल रहा है वो RPSC, उसके अलावा जो सचिवालय के जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंटों का यहाँ पर मतलब जोर शोर से इनका कार्य चल रहा है, इनको मतलब ज्वाइनिंग का देने के लिए पूरी मतलब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कार्य किया जा रहा है RPSC और सचिन ये जो सचिवालय स्टूडेंटों को ज्वाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। और लगभग आपको जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किए जाएंगे वो आपको मेरिट के आधार पर ही अलॉटमेंट करेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो एक बात और बता देता हूँ आपको, जो DOB है ना DOB, ये भी आपके जो मतलब आपको मतलब मनपसंद की जगह या जिले में उसके अलावा डिपार्टमेंट में जो रहेगी उसके लिए DOB भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब अगर सेम नंबर आ रहे हैं और सेम चॉइस अगर स्टूडेंटों ने भरी होगी, जैसे 2 स्टूडेंटों ने सेम चॉइस भरी है उनके सेम नंबर आ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जिसकी एज ज़्यादा होगी ना उसको मतलब पहले प्रायोरिटी दी जाएगी डिपार्टमेंट में, उसके अलावा उसकी मनपसंद जो भी जगह ना मतलब जहाँ पर वो ज्वाइनिंग लेना चाहता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम जो आपकी जो मतलब यहाँ पर जो RPSC और उसके अलावा जो शासन सचिवालय मतलब जो सचिवालय वाले इनको तो होली से पहले होली तक आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके अलावा जो अब हमारे बचे जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट वाले, तो दोस्तों इनकी वजह से देरी हो रही है क्योंकि सबऑर्डिनेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, इस कारण से मतलब उनका पूरा पता करके उनका पूरा तैयार करके स्टूडेंटों के यहाँ पर मतलब लिस्ट जारी की जाएगी कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हैं आप सब ऑर्डिनेट के डिपार्टमेंट है ये, एक तो इसमें कलेक्ट्रेट आता है, रिलीफ एम डिजार्टेन मैनेजमेंट आता है, उसके अलावा डिविजनल मिनिस्टर आता है, सर्किट हाउस आता है, उसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट आता है, कमिश्नर टैक्स आता है, एग्रीकल्चर आता है, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट आता है, लोकायुक्त आता है, सचिवालय आता है, डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन आता है, डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन आता है, फूड एंड सिविल सप्लाई आता है, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर SMS मेडिकल कॉलेज आता है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट आता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर PWD, कमिश्नर देवस्थान, इलेक्शन डिपार्टमेंट, डायरेक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, डायरेक्ट माइंड एंड टेक्नोलॉजी, कमिश्नर एक्सरसाइज, IG रजिस्ट्रेशन एंड स्टेप, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, 25 सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप लगभग 50 डिपार्टमेंट में जिसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेट मोटर गैरेज कंट्रोल, इकोनॉमिक एंड स्टेटिकल डायरेक्टर, कमिश्नर इंदिरा गांधी नेहरू, इस प्रकार से आप देख सकते हैं 50 डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों इसी वजह से इनका थोड़ा कार्य लेट किया जाएगा क्योंकि इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट हो, यहाँ पर मेरिट के आधार पर उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ पूरा देख करके इनका जो डेटा तैयार किया जाएगा, उसके अलावा तभी इनके ज्वाइनिंग की डेट मतलब ज्वाइनिंग दी जाएगी इनको। तो इनके जो ज्वाइनिंग का कार्य मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। तो और दोस्तों रही आपकी ज्वाइनिंग के काम, तो ये तो मार्च लास्ट तक या फिर अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग का कार्य कर दिया जाएगा। और दोस्तों अशोक गहलोत जी ने यहां पर खुद ही कहा है कि जिन
जिन मतलब जिन भर्तियों का परिणाम जारी कर दिया गया है उनका जल्दी से जल्दी मतलब उनको बोर्डों को पूरी तरह से निर्देश दे दिए गए कि इनकी ज्वाइनिंग का कार्य जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। तो दो दो आपकी मार्च या तो मार्च लास्ट तक या फिर अप्रैल तक आपकी पूरी मतलब सारे डिपार्टमेंट को सारे स्टूडेंटों की ज्वाइनिंग का काम पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको बताया अप्रैल माह में फिर आचार संहिता लग जाएगी और सरकार को 31 तारीख का जो बजट है उसमें बताना पड़ेगा कि सरकार के द्वारा क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है। तो उस कारण से यहाँ पर जल्दी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बता दिया दोस्तों। जो भी अपडेट थी आपको और भी कुछ अपडेट मिलती है आपको, नई नई अपडेट मिलती है तो मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा सुभाष जी ने जो युवा हल्ला बोल में जो मतलब पद ज्वाइन किया है, युवा हल्ला बोल ज्वाइन किया है, तो उनको भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है दोस्तों, आप सभी का भाग्य मंगलमय हो, जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग मिले ऐसी उम्मीद हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत जय।